नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वृश्चिक राशि के जनवरी 2023 के राशिफल को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस राशिफल के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके धन संबंधी बातों को लेकर, पारिवारिक स्थिति, पंचम भाव, विद्या, बुद्धि, संतान, साथ के साथ कंपटीशन भाव, पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर, आपका भाग्य की बात, साथ के साथ दशम भाव, कर्म और लाभ। आइए इससे पहले हम राशिफल की शुरुआत करें। हम जानते हैं कि जो राशि स्वामी हैं उनका गोचर कैसा रहने वाला है, क्योंकि राशि स्वामी की अगर हम बात करें बहुत महत्वपूर्ण स्थिति मानी गई है। किसी भी भाव के अंदर अगर राशि स्वामी गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भाव जो है उस भाव से रिलेटेड फल की प्राप्ति हमें हो सकती है। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे कुछ जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और देखते रहें डेली राशिफल, डेली पंचांग, मंथली राशिफल, ईयरली राशिफल। वृश्चिक राशि, बात करते हैं इनके राशि स्वामी मंगल देव की। वृष राशि के अंदर वक्री अवस्था में सप्तम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें राशि स्वामी की सप्तम भाव में स्थिति, मंगल की जन्म के चंद्रमा से अगर हम स्थिति बात करें तो बहुत शुभ स्थिति सप्तम भाव में नहीं होती, लेकिन सप्तम भाव में बैठकर मंगलदेव यहाँ पर अपनी ही राशि को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने भाव को जो है वो सुदृढ़ बना रहे हैं। मंगलदेव यहाँ बैठकर चतुर्थ दृष्टि से आपके दशम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। राशि स्वामी का दशम भाव और दशमेश से कनेक्शन आपके कार्यक्षेत्र के लिए शुभ माना गया है। धन संबंधी बातों की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति धन भाव के स्वामी बन रहे हैं, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, साथ के साथ नवम भाव पर भी दृष्टि है और जन्म के चंद्रमा पर भी दृष्टि है। यानी पंचम, सप्तम और नवम अगर हम दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव यानी नवम भाव, जिसके कि कारक भी गए गए हैं, उसको भी प्रभावित कर रहे हैं। साथ के साथ अगर हम बात करें लाभ भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, जिसके भी वे कारक कहे गए हैं, तो यहाँ पर धर्म की स्थिति या भी अगर मैं बात करूँ भाग्य की स्थिति एक अच्छी स्थिति बनी गई है। भाग्य के प्रभाव के कारण यहाँ पर धन संबंधी लाभ होने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्वयं राशि के अंदर स्थिति शुभ स्थिति बनी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पंचम भाव से रिलेटेड भी शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है, यानी संतान के सपोर्ट से या मैं कहूँ संतान के भाग्य के कारण यहाँ पर आपको जो है आपके विद्या बुद्धि को लेकर भी आपको धन की प्राप्ति या मैं कहूँ कि आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक स्थिति की बात करें चतुर्थ भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं माह की शुरुआत में और इसी माह में चतुर्थ भाव में भी गोचर करना शुरू करेंगे क्योंकि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। साथ के साथ शनिदेव दशम जो है भाव को भी प्रभावित करने वाले हैं तो करियर जो है बहुत शुभ रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें सूर्यदेव दशम भाव के स्वामी बनते हैं। माह के शुरुआत की बात करें तो सूर्यदेव यहाँ पर धन भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं जो कि बुध के साथ में है और बुध यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी हैं, तो दशमेश और लाभेश दोनों का संबंध धन भाव के अंदर बनना अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण गोचर माना गया है। सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करने के बाद में यहाँ पर धनु राशि से निकलकर मध्य माह के अंदर मकर राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव की मकर राशि के अंदर स्थिति की बात करें तो दशमेश का तृतीय भाव में गोचर अपने कार्यक्षेत्र से आपको यात्राएं देखने को मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपको अत्यधिक व्यस्तता के कारण भी आप अपने अपने पारिवारिक जो है समय के अंदर आप अपने समय नहीं दे पाएंगे। साथ के साथ अगर हम बात करें सूर्यदेव यहाँ पर जो है अपना जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे तो कुछ टाइम तक शनि के साथ में भी रह सकते हैं, तो परिवार से थोड़ा सा मनमुटाव यहाँ पर देखने को मिलेगा, सपोर्ट भी यहाँ पर थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। अगर मैं माह के मध्य की बात करूँ, कॉम्पिटिशन्स की बात करें, राहु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु की जन्म के चंद्रमा से छठे भाव में स्थिति शुभ स्थिति और अच्छी स्थिति मानी गई है। राहुदेव यहाँ बैठकर पंचम दृष्टि से आपके दशम भाव यानी कार्यक्षेत्र को भी प्रभावित कर रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर मंगलदेव, क्योंकि मंगलदेव छठे भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, मंगल की स्थिति बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही गई है। हालांकि कॉम्पिटिशन्स की अगर मैं बात करूं तो छठे भाव के स्वामी का दशम भाव से कनेक्शन हो रहा है तो ये कनेक्शन एक शुभ कनेक्शन कहा गया है। ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर तो लाभ की स्थिति, धन की स्थिति बनी हुई है, कार्यक्षेत्र अच्छा रहने वाला है,
नवम भाव की अगर हम बात करें, भाग्य की बात करें, तो शनिदेव और गुरु दोनों ही माह के शुरुआत में नवम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी नाइन्थ हाउस एक्टिवेट हो रहा है। साथ के साथ यात्राओं का भी लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। धन की बात करें तो धन भाव के स्वामी शुभ स्थिति में है, लाभ भाव से संबंध बना रहे हैं। साथ के साथ लाभ भाव के स्वामी का धन भाव के अंदर गोचर शुभ स्थिति बनी हुई है। धन्यवाद।